इस्लामाबाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के सामने फायरिंग का वाकया पेश आया है। एक शख्स को कत्ल कर दिया गया है। इस्लामाबाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के सामने फायरिंग का वाकया पेश आया है और इस फायरिंग के वाकये में एक शख्स को कत्ल किया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ फहद बशीर से। फहद बताएगा इस वाकये के हवाले से। देखिए बिल्कुल, इस्लामाबाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स G11 के सामने नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया जबकि एक शख्स जो है मौके पर ही जहां भाग हो गया है। फायरिंग करने वाले नामालूम अशख्स जो है मौके से फरार हो चुके हैं जबकि असिस्टेंट कमिश्नर सदर भी मौके पर पहुंच चुके हैं और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंचे। उनकी जानिब से जो है तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया और जो पुलिस का ये बताना है कि अब से कुछ देर कबल ये अफसोसनाक वाकया पेश है जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी और दूसरा जो है जहां भाग हो गया और जख्मी होने वाली शख्स को इस वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए और इस्लामाबाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स G11 के सामने नामालूम अफराद की फायरिंग से अफसोसनाक वाकया पेश आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया फहद बशीर, इस हवाले से अपडेट किया आपने।